हेलो फ्रेंड्स, 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टॉप करना पड़ा। ऐसे में काफी सारे लोगों का गांधी जी की आइडियोलॉजी से भरोसा उठने लगा था और इस भरोसे को वापस से पाने के लिए 1922 से 1926 के बीच इंडियन नेशनल कांग्रेस ने चार छोटे सत्याग्रह कंडक्ट किए। आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं चार स्मॉल सत्याग्रह को कवर करेंगे। तो हमारी लिस्ट में जो पहला सत्याग्रह है ये है गुरु के भाग सत्याग्रह, जो कि 1922 से 1923 तक चला। इसके बाद बरसोड़ सत्याग्रह, जो कि 1923 से 1924 तक चला। नेक्स्ट सत्याग्रह है जैतो सत्याग्रह, जो कि 1924 में हुआ था। और फाइनली फोर्थ सत्याग्रह है वाईकॉम सत्याग्रह, जो कि 1924 से 1925 तक चला था। इन चारों सत्याग्रह की डिटेल्स हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं गुरु के भाग सत्याग्रह से। एक्चुअली 1920 से 1925 के बीच पंजाब के अंदर गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट चल रहा था, जिसे हम लोग अकाली मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये मूवमेंट इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि पंजाब में जितने भी सिख गुरुद्वारा थे उनके ऊपर महंत का कंट्रोल एस्टेब्लिश हो गया था और ये महंत काफी ज्यादा करप्ट थे। ऐसा माना जा रहा था कि ये महंत पैसों की हेराफेरी कर रहे हैं और काफी सारी इमोरल प्रैक्टिसेस में भी लिप्त हैं। तो इन सिख गुरुद्वारों को महंत के चंगुल से आजाद कराने के लिए ही गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट चलाया गया था। और इसी अकाली मूवमेंट के दौरान गुरु के बाग नाम की एक जगह है जो कि अमृतसर से 25 किलोमीटर दूर है। इस जगह पर पेड़ों की कटाई से रिलेटेड एक डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट था बहिष्कृत महंत और एसजीपीसी के बीच में। एसजीपीसी यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। एक्चुअली ये जो जमीन थी ये गुरुद्वारा की जमीन थी और गुरुद्वारा पर पहले महंत का कंट्रोल हुआ करता था, तो गुरुद्वारा को तो महंत से आजाद करा लिया गया था, लेकिन इस जमीन पर अभी भी महंत अपना क्लेम कर रहे थे। जबकि एसजीपीसी का कहना था कि ये जमीन गुरुद्वारा की थी और क्योंकि अब गुरुद्वारा एसजीपीसी के कंट्रोल में है, इसीलिए ये जमीन भी अब एसजीपीसी की ही होगी। इसी विवाद को लेकर सत्याग्रह किया गया था जिसमें कांग्रेस लीडर नेहरू जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये थी डिटेल्स गुरु के भाग सत्याग्रह की। चलिए अब बात करते हैं बरसोड़ सत्याग्रह की, जिसे 1923-24 में किया गया था। बरसोड़ नाम की जो जगह है ये गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर 1920s में बहुत ज्यादा डकैती बढ़ गई थी और ये डकैती करने वाले जो लोग थे ये थे लो कास्ट बरियाज। इन डकैतियों को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को पुलिस फोर्स बढ़ानी पड़ी, जिसकी वजह से पुलिस एक्सपेंसेस बढ़ गए थे। और इन एक्सपेंसेस को टेक केयर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बरसोड़ के हर एक एडल्ट के ऊपर एक टैक्स लगाया। इस टैक्स का नाम था पोल टैक्स और कहा गया कि इस पोल टैक्स से कलेक्ट होने वाले पैसे से ही उन पुलिस एक्सपेंसेस को टेक केयर किया जाएगा जो कि डकैती को कंट्रोल करने के लिए किए जा रहे हैं। बाद में ये टैक्स 104 और विलेजेस पर अप्लाई कर दिया गया। इसके बारे में पाटीदार समाज का ये कहना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे ऊपर ये टैक्स लगाकर हमें इस बात की सजा दे रही है कि हम लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। इस पोल टैक्स के अगेंस्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बरसोड़ सत्याग्रह किया और फाइनली जनवरी 1924 में इस टैक्स को हटा लिया गया था। तो ये थी डिटेल्स बरसोड़ सत्याग्रह की। चलिए अब बात करते हैं जैतो सत्याग्रह की। जैतो सत्याग्रह अगेन गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट का ही पार्ट था, जिसके बारे में हम लोगों ने गुरु के बाग सत्याग्रह में भी बात की थी। यानी जैतो सत्याग्रह भी अकाली मूवमेंट के दौरान ही हुआ था। एक्चुअली जैतो नाम की जगह पर एक गुरुद्वारा है जिसे गुरुद्वारा गंगसर कहा जाता है। अकाली इस गुरुद्वारा को महंत के चंगुल से आजाद कराना चाहते थे, बट यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक डिफरेंट पॉलिटिकल गेम खेल दिया। एक्चुअली जैतो जो जगह है ये नभा स्टेट में आती है और नभा के जो महाराजा थे उनका नाम था रिपु दमन सिंह। ये अकाली मूवमेंट के फेवर में थे। अगर ये राजा बने रहते तो अकाली आसानी से इस गुरुद्वारा को महंत के चंगुल से आजाद करा सकते थे, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जैसे ही देखा कि अकाली नभा की ओर बढ़ रहे हैं, उन्होंने रिपु दमन को हटाकर उनके 8 साल के बेटे को राजा बना दिया। इससे अकाली और ज्यादा नाराज हो गए और इसके खिलाफ एक सत्याग्रह किया गया जिसे जैतो सत्याग्रह कहा जाता है और इसके लीडर थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये थी डिटेल्स जैतो सत्याग्रह की। चलिए अब कवर करते हैं वाईकॉम सत्याग्रह को। वाईकॉम नाम की जो जगह है ये त्रावणकोर के नॉर्दर्न पार्ट में हुआ करती थी और त्रावणकोर उस समय एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। और वाईकॉम सत्याग्रह दो कारणों की वजह से फेमस है। पहला कारण ये है कि किसी भी प्रिंसली स्टेट में होने वाला पहला गांधीयन सत्याग्रह वाईकॉम सत्याग्रह ही था। और दूसरा कारण ये है कि जिस इशू के खिलाफ वाईकॉम सत्याग्रह किया गया था वो इशू था रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। और ये पहली बार था कि कांग्रेस अनटचेबिलिटी के मुद्दे को इतना सीरियसली ले रही थी। तो अब यहाँ पर ये जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वाईकॉम सत्याग्रह के लीडर कौन थे। तो इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे डीके महादेवन, जो कि इजावा कम्युनिटी के एक कांग्रेस लीडर थे। इसके अलावा ये एक सोशल रिफॉर्मर और देश अभिमानी के एडिटर भी थे।
चलिए अब समझते हैं कि वाइकॉम सत्याग्रह में एक्चुअल इश्यू था क्या। तो बेसिकली यहाँ पर एक टेम्पल था जिसे शिव शंकर टेम्पल कहा जाता था। अब क्योंकि ये टेम्पल ट्रेवनकोर की टेरिटरीज में था, इसीलिए इस टेम्पल को ट्रेवनकोर टेम्पल भी कह दिया जाता है। इस टेम्पल के पास से जो सड़क गुजरती थी उस पर किसी भी अनटचेबल को चलना अलाउड नहीं था, और टीके महादेवन इसी के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे थे। और आपको पता है कि केरला में बहुत ज्यादा क्रिश्चियंस भी रहते हैं, तो क्रिश्चियंस का भी यहाँ पर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था। बट इस सत्याग्रह के चलते यहाँ पर 1925 मार्च में गांधी जी भी पहुंच गए और उन्होंने कहा कि भाई क्रिश्चियंस तुम यहाँ से दूर रहो क्योंकि ये मामला हिंदुओं का है। ऑब्वियस सी बात है कि क्रिश्चियंस इस बात के लिए गांधी जी से काफी नाराज हो गए थे, लेकिन गांधी जी को इस बात से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा मामला तब खत्म हुआ जो गवर्नमेंट ने एक और रोड बना दी इसके पैरेलल में, जहां पर अनटचेबल्स भी चल सकते थे। तो रोड पे चलने का जो मामला था वो तो पूरी तरह से सेटल हो गया था, लेकिन अब इस मूवमेंट ने एक अलग मोड ले लिया था और इस मूवमेंट को अब कहा गया टेम्पल एंट्री मूवमेंट। तो 1924 में वाईकॉम सत्याग्रह के दौरान ही केपी केशव ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट को लॉन्च किया था और मांग थी कि हिंदू टेम्पल्स को अनटचेबल्स के लिए भी खोल दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने जो पैरेलल रोड बना दी तो मामला ढीला पड़ गया, और 1931 में जब सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट को वापस से रीऑर्गेनाइज किया गया केरला में, और लीडर्स थे पी कृष्णा पिल्लई और ए के गोपालन। इस दौरान टेम्पल एंट्री मूवमेंट में पॉइट सुब्रमण्यम थिरुमांबू ने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सुब्रमण्यम थिरुमांबू को सिंगिंग स्वॉर्ड ऑफ केरला भी कहा जाता है। और इस मूवमेंट का असर दिखा 1936 में, जब ट्रेवनकोर के महाराजा ने सारे गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हिंदू टेम्पल्स को अनटचेबल्स या फिर सभी जातियों के लिए खोलने के लिए अलाउ कर दिया। इसी चीज से इंस्पायर्ड होकर 1938 में सी राजा गोपालाचारी, जिन्हें राजा जी भी कहा जाता है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने मद्रास में सेम स्टेप लिया, यानी सारे हिंदू टेम्पल्स को सभी हिंदू कास्ट के लिए ओपन कर दिया। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सावा।